हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस, यहाँ पे मैं आया था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिला। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरे सामने ये जो फॉरेस्ट है ये स्प्रूस वुड का फॉरेस्ट है, और मैं काफी दिनों से मैं ढूंढ रहा था स्प्रूस वुड का सैपलिंग, तो फाइनली मुझे मिल गया। तो यहाँ से मैं पहले तो स्प्रूस वुड में कुछ कलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कुछ सैपलिंग भी उठाना है। तो आओ यार, पहले यहाँ से स्प्रूस वुड कलेक्ट कर लेते हैं, स्प्रूस वुड साथ में सैपलिंग कलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी फिर मैं अपने बेस पे निकलने वाला हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था, अभी तक तो मुझे कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिला। एटलीस्ट यहाँ पे मुझे स्प्रूस वुड मिल चुका है, वो अच्छी बात है। तो ये जो बर्फीला इलाका है, तो मुझे अभी भी याद है जो मैंने पहला वीडियो डाला था उस पर मैंने ऐसी एक जगह पे जाके फंस गया था अंदर। पता नहीं कैसे अभी भी मैं उस जगह पे, मतलब कहाँ पे मैंने कैसे गिरा वो मालूम नहीं है, लेकिन आज भी मुझे याद है कि कुछ बर्फीला जगह था और जहाँ पे मैंने फंसा था, फंस के मर गया था। तो यहाँ पे मुझे संभल के रहना पड़ेगा। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ वुड तो मैंने काट लिया, अभी बस सैपलिंग गिरने का इंतज़ार करना है। अभी रात हो चुका है, सो जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने फिलहाल कुछ सैपलिंग वगैरह कलेक्ट करके अभी मैं निकल चुका हूँ अपने बेस पे लौट रहा हूँ। तो या अभी बस जाते जाते यहाँ पे अगर कुछ देखने को मिल जाए तो सही है, वरना तो कुछ कह नहीं सकते। अब क्या करें, ओ यहाँ पे लावा, ओ आग लगी है यहाँ पे, ये उठा लेता हूँ, ये इस जगह पे ये मैं उठा लेता हूँ। इस जगह पे आग लगी है, यहाँ से इस लावा से ही आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे अभी ओ सामने ये इतना ऊँचे ऊँचे ये पहाड़ है, ओ ये तो मैंने नोटिस नहीं किया पहले। यहाँ पे चल के देखते इसके यहाँ पे क्या है, काफी ऊंची पहाड़ है ये मैंने पहली बार दिख रहा हूँ। यहाँ से ये उठा लेता हूँ, ये क्या कहते हैं इसे, इसका नाम क्या है याद नहीं, चलो ओके, तो मुझे अभी इस पहाड़ पे है क्या मुझे देखना है। मुझे नहीं लगता है कि इतना ऊंचा पहाड़ मैंने माइनक्राफ्ट पे आज से पहले देखा, तो ये मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा, तो ये मुझे देखना है। और बस कुछ ही दूर और चढ़ाई करनी पड़ेगी इस पहाड़ पे, फिर हम पहुंच जाएंगे। बस आ गया, एक सेकेंड यहाँ पे आयरन दिख रहा है मुझे, ये क्या जगह है ये, यहाँ पे मैं जिधर भी देखूं इधर ही आयरन है। एक काम करता हूँ, कहाँ गया मेरा क्राफ्टिंग टेबल, ये यहाँ पे रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को, और इस जगह पे मैं बैनर लगा लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास वूल तो होगा, ये नहीं, ये यार वूल काफ़ी नहीं है। ओके, तो ये इस जगह पे जितना सारा आयरन हो सके मैं उठा लेता हूँ। वैसे यहाँ पे मुझे वैसे काफ़ी मुझे आयरन तो देखा, यहाँ पे ऊपर भी है, यहाँ पे और दो आयरन दिख रहा है मुझे, ओ यहाँ पे दो नहीं, दो से ज़्यादा ही है, आई थिंक चार मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे भी है आयरन। देखो गाइस, यहाँ पे कितना सारा आयरन है, ओ भाई यहाँ पे और है क्या, और नहीं है। ओके नीचे चलेंगे, अभी नीचे चल के नीचे देखते ही यहाँ पे नीचे मुझे क्या मिलता है। आशा करता हूँ कि यहाँ पे भी, मतलब नीचे भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ तो मिलेगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मुझे मिलने वाला है। टॉर्च किधर गया मेरा, टॉर्च मैंने लाया नहीं क्या, तो टॉर्च मुझे अभी बनाना पड़ेगा।
ओह मिल गया टॉर्च मिल गया। अभी तो फिलहाल इस क्राफ्टिंग टेबल का जरूर ये एमराल्ड है। ओ भाई ओके, तो एमराल्ड तो मुझे मिल चुका है। अभी मैं ये कोल को भी उठा लेता हूँ। अगर यू नो टॉर्च की कमी पड़े तो यहाँ पे मैं इस कोल से मैं टॉर्च बना सकता हूँ अपने लिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी बहुत ही पास होगा। आई थिंक यहाँ पे एक और छोटा सा तो केव होना चाहिए। इस सप्लिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके तो हो गया अभी। ओके अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ से ये ज़ॉम्बी वगैरह की आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे होगा इधर, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है अभी। आई थिंक अभी दिखाई तो देगा। ओ ओ ओ ओ ओ ये पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। अरे यार गलत जगह पे आ गया। ये पीछा कर रहा है साला, पीछा करेगा तू। हाँ तेरे में इतनी हिम्मत तू पीछा करके मार रहा है। अभी चलो अंदर जाके देखते यहाँ पे और क्या है। ओ ये क्रीपर आ रहा है, क्रीपर आ रहा है। चलो 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 ये क्रीपर से भी तो मेरा पीछा छोटा। यहाँ पे मैं लाइट वगैरह लगा लेता हूँ, बस मुझे पीछे से। ओ यहाँ पे एक और एमराल्ड है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस जगह को मैं सील कर देता हूँ। कहाँ गया स्टोन, किधर गया मेरा, मेरे पास स्टोन। ओ ये रहा स्टोन। ओके तो इस जगह को मैं फिलहाल के लिए ऐसे बंद कर देता हूँ, इस जगह को बंद कर देता हूँ। और ये रहा एक और एमराल्ड। तो यहाँ पे मुझे दूसरा एमराल्ड मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और इस जगह पे और थोड़ा सा, ओ यहाँ पे एक और एमराल्ड, नाइस। वैसे यहाँ पे काफ़ी मतलब तीन एमराल्ड मिला है। एमराल्ड आई थिंक बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है। अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ ऊपर। ऊपर मुझे अभी जितना मैं आयरन में उठा सकता हूँ मैं उठा लेता हूँ। अब धीरे धीरे करके मैं बेस पे चला जाऊँगा। वैसे तो ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज मैं यहाँ पे यहाँ से सारा वो आयरन में ले जा पाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल अपने बेस पे लौट रहा हूँ, क्योंकि आज ये देखो कितना बड़ा सा एरिया है ये। ये जगह एक दिन में तो लौटना इम्पॉसिबल है, तो इस जगह पे मुझे वापस तो आना पड़ेगा। ओह यहाँ पे कुछ आयरन दिख रहा है मुझे, ये आयरन में उठा लेता हूँ। यार लालच संभाली नहीं जाती है, क्या करूँ बताओ। मैं घर जाने वाला था अभी और ये आयरन दिख रहा, तो कैसे खुद को संभालू। ओके एक और चीज़ मैं या मेरे बेस पे वो आयरन फार्म में बनाने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल आयरन फार्म में मुझे नहीं लगता है कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन मिल रहा है। देखो यार कितना सारा आयरन है, मतलब आयरन फार्म की ज़रूरत क्या है बताओ ज़रा, क्यों मैं आयरन फार्म बनाऊँ यहाँ पे इतना सारा आयरन छोड़ के। तो यस मैं यहाँ पे आऊँगा एक और दिन, मुझे इस जगह पे मतलब अच्छी तरीके से मुझे छानबीन करना है। तो या अभी तो फिलहाल यही है। ओके ऊपर चल के देखते हैं इस जगह ऊपर, अगर कुछ मिल जाए तो मिल जाए, वरना घर चला जाऊँगा, बेस पे चला जाऊँगा किसी और दिन। ओ यहाँ पे है आयरन, ओ नीचे आयरन है आई थिंक। ओ यहाँ पे मुझे काफी सारा आयरन मिल रहा है। ओके थोड़ा सा और ऊपर चल के देख ही लेते हैं, इतना ऊपर आ ही गया तो अब बाकी भी देख लेते हैं। और है क्या या वाह ऊपर है आयरन। तो ये जगह, ये जो पहाड़ है यहाँ पे, इस तरीके का पहाड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ।
आगे मैंने कभी नहीं देखा। ओ और आयरन देखो, मतलब कितना सारा आयरन है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना बेस बना लूँ। हाँ फिलहाल के लिए तो बहुत सारा आयरन हो गया, अभी घर चलते हैं। अब रास्ते में अगर जो मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई बात नहीं। तो अभी चलो घर पे चलते हैं। अब रास्ते पे अगर जो भी मिलेगा मैं उठा लूँगा। ओके, अभी मैंने एक और चीज नोटिस किया, ये जो जगह है, ये जगह मेरे बेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैप पे देखो तो बहुत पास मिलेगा, ज्यादा दूर मतलब ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं। ओ यहाँ पे एक और एमरल्ड। ओ भाई वो दूसरा एमरल्ड यहाँ पे, एक नहीं दो एमरल्ड मिला है यहाँ पे, और साथ ही में एक आयरन भी है। मतलब ये जगह तो जन्नत जैसा है। अगर भाई तो यहाँ पे और दो है आयरन, आई थिंक काफ़ी हो चुका है। अभी मुझे लगता है बेस पे लौट जाना चाहिए, और ज़्यादा यहाँ पे समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। किसी और दिन तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। और देखो यार, आयरन दिख जाए तो यार खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। तो फिलहाल मेरा इन्वेंटरी तो फुल हो चुका है, तो यहाँ से क्या फेंका जाए। ये फेदर फेंक देता हूँ, ज़रूरत नहीं है फेदर की। बस अभी मैं घर की तरफ चले जाना चाहता हूँ। बस आसपास मुझे और आयरन ना दिखे, मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मुझे आयरन मिले। मैं घर पे जाना चाहता हूँ, आयरन की अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा आयरन है। मैं यहाँ पे मैं बाद में तो आऊँगा ही, तो कोई बात नहीं है, कोई इश्यू है ही नहीं। ओके गाइस, तो मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ अपने घर पे, और देखना चाहूँ कि मुझे क्या मिला। ये देखो कितना सारा आयरन है, ये देखो एमरल्ड, और ये भी है। ये सामान मिला मुझे उस पहाड़ से। ओ भाई बहुत मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। यस गाइस, आज का एपिसोड ये पे ख़त्म करते, तो मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।